कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किस दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन की अपील की है उसका पालन किया जाए, प्रदेशवासी इससे चिंतित ना हो। कलेक्टरों को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। 27 मार्च को विधानसभा सत्र में होने वाले लेखानुदान को लेकर शिवराज ने कहा कि इसे स्थगित कर दिया गया है, ऑर्डिनेंस लाकर धन की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है और सभी को 21 दिनों तक घर से ना निकलने को कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि सभी अपने घरों में रहें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, रोजमर्रा की चीजें आपको आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी, कोई भी इसकी चिंता ना करे। कोरोना वायरस के संक्रमण से, महामारी से देश को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रात से ही 21 दिन तक लॉकडाउन का आह्वान किया है। आप परेशान ना हो, इन 21 दिनों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जवाबदारी सरकार की है। मैं सारे कलेक्टर्स को निर्देश दे रहा हूं कि आम आदमी को, गरीब को, बहनों भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी आप चिंता ना करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 27 तारीख को लेखानुदान नहीं होगा, हम ऑर्डिनेंस लाकर धन की व्यवस्था करेंगे। अभी लड़ाई सिर्फ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की है। शिवराज ने कहा, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए मैं 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहा हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि वे भी 1 माह का वेतन कोरोना से लड़ने के लिए दें, हम मिलकर इस महामारी को परास्त करेंगे। प्रिय विधायक बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश विधानसभा में अब 27 तारीख को लेखानुदान नहीं होगा, हम ऑर्डिनेंस जारी करके धन की व्यवस्था करेंगे। अभी लड़ाई केवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की है, और इसलिए आप अपने अपने घरों में रहकर कार्यकर्ता और जनता से बात करते रहिए, एजुकेट करते रहिए और इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आप 1 माह का वेतन दे, अपील भी कर रहा हूं मैं स्वयं कल 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहा हूं। इस समय हम भी तन, मन और धन तीनों लगाकर इस महामारी को परास्त करें और अपनी जनता, अपने प्रदेश को बचाएं। धन्यवाद। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, है नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। कॉकरोच छोड़कर
तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।